गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज मैं आपके लाया हूं 1 दिसंबर का करंट अफेयर। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कौन सी कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक। फेसबुक कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु, राजभाषा कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल बिजू भाई वाला, मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 225 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, रूस ने आर्कटिक महासागर में सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के बारे में जानकारी, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्रधानमंत्री इसके मिखाइल मुस्तीन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के रक्षा मंत्री वेई फेगेह ने 29 नवंबर 2020 को नेपाल का दौरा किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन देश के रक्षा मंत्री वेई फेगेह ने 29 नवंबर 2020 को नेपाल का दौरा किया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेगेह 29 नवंबर 2020 को एक दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे हैं। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी यूनान है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मेक मोहन रेखा है। चीन की सबसे बड़ी नदी यक्सी 6300 किलोमीटर है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी UAE। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश UAE बन गया है। UAE के बारे में जानकारी, UAE का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी, करेंसी UAE दिरहम, राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच ट्रैक 1.5 संवाद आयोजित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। कनाडा और भारत देश के बीच ट्रैक 1.5 संवाद आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा के फेक्यूएस लिम्पिस चैंपियन किन्हें तीसरे भारत कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद में भाग लिया। भारत और कनाडा ने COVID-19 महामारी के संबंध में सहयोग पर चर्चा की और मजबूत निवेश एवं वाणिज्य संबंधों पर एक साथ काम करना सुनिश्चित किया है। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओटावा, करेंसी कैनेडियन डॉलर, प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रेडियू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नए राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
बुर्किना फासो। बुर्किना फासो देश के नए राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर बने हैं। बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी ओकाडेकू है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियनी काबोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल उत्पादक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। तेल उत्पादक कंपनी इंडियन ऑयल लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के बारे में जानकारी। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर से हैं। दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीट 14। विधानसभा की सीट 126। राज्यसभा की सीट 7। और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर ने अपना पहला मास्क बैंक का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली शहर ने अपना पहला मास्क बैंक का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मास्क बैंक 24 घंटे खुला रहता है। कोई भी यहाँ से ना सिर्फ मुफ्त में मास्क ले सकता है बल्कि चाहे तो इसमें डोनेट भी कर सकता है। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली का पहला मास्क बैंक शुरू किया है। नई दिल्ली के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उप राज्यपाल अनिल बेजाल। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की अध्यक्षता में पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 की बैठक आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत देश की अध्यक्षता में पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 की बैठक आयोजित की गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाली इस सम्मेलन में एससीओ के 6 सदस्य देश के प्रधानमंत्री ने भाग लिया और एक प्रेक्षक देश बेलारूस शामिल हुआ है। और इस बैठक का उद्देश्य सभी देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाना और देश की आर्थिक और सामाजिक विकास करना है और कोरोना महामारी से लड़ना है। एससीओ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल वलादिमीर नोरोरोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचि सोया कंपनी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य बालकृष्ण। रुचि सोया कंपनी के फिर से अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबा रामदेव के भाई राम भक्त रुचि सोया कंपनी के प्रबंधक निदेशक बने हैं। रुचि सोया के बारे में जानकारी। रुचि सोया भारत में खाद्य तेल का निर्माण करती है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय मध्य प्रदेश में है। संस्थापक दिनेश सहारा है। सीईओ संजीव आस्थाना है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पतंजलि आयुर्वेद। दिसंबर महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को श्रीमद् भगवद् गीता जयंती मनाई जाती है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को बालिका दिवस मनाया जाता है भारत में। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को इंतिफादा दिवस मनाया जाता है।
11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस मनाया जाता है, 15 दिसंबर को सरदार पटेल स्मृति दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को राष्ट्रीय धातु विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर को विश्व गणित दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, 26 दिसंबर को विश्व मुक्केबाजी दिवस मनाया जाता है, 27 दिसंबर को केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस मनाया जाता है। आपके लिए प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कौन सा भारतीय बैंक 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें, तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें, तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।